मैं आपको आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानो या सेल्फ कॉन्फिडेंस या हार्डवर्क कुछ भी आपको कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये पोस्ट आप देख पा रहे होंगे है अप्रैल 11 2021 की, अभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई डेट लिखी थी, इस डेट को मैं जॉब इंटरव्यू फेल हुआ था और मैंने तब सोचा था मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं खुद का कुछ स्टार्ट करूँगा। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। जहाँ मेरे इंग्लिश की वजह से मुझे मैं रिजेक्ट हुआ था और मैंने जॉब छोड़ने का सोचा था, ये डेट मैंने व्हाट्सएप पे डाली हुई थी, ठीक है। फिर मैंने स्टेटस चेंज करके डाला फिर नेवर गिव अप $10K, जब मैंने कुछ मेरे गोल अचीव हो गए, जो स्टोरी यहाँ बताई है लंबी हो जाएगी, ठीक है, देख लेना कभी। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया था कि $10K पर डे हिट करना है, वो डाला था मैंने 11 अप्रैल 2021 को। फिर मैं ले चलता हूँ क्योंकि मैं अभी जस्ट अपना आई क्लाउड ऐसे देख रहा था और मुझे जस्ट ये वीडियो मेरा दिख गया, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार वीडियो देख लीजिए फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब ये वो लिखा वो अभी भी है क्योंकि निकाला नहीं है भाई ने। $1 million प्रॉफिट 2023 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, इस साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉफिट की। तो वो तो अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी थोड़ा दूर है, ठीक है, वो भी हो जाएगा यार कभी ना कभी। यार देखिए, तो $10K पर डे फेल हो गया था मैं 16/2/2023। देखो मैंने $10 हिट किया था बट कभी भी सिंगल रो में कभी भी नहीं किया था। तो हर बार 8K 9K भाई मैं 9K 500 तक भी पहुंचा, वो 10K हिट ही नहीं, जैसे होता कुछ ना कुछ इसी हो जाता था, ठीक है। फिर मैंने न्यू डेट डाली कौन सी 27/2/2023, फिर से सेम हुआ, इतने 9000 के आसपास पैसे अकाउंट सस्पेंड हुआ, इश्यू हो गए, नहीं हुआ। फिर मैंने बोला अभी ट्राई अगेन, फिर अप्रैल 2023 को मैंने सोचा कि भाई 10K हिट करूंगा, भाई फिर से फिर मैंने हिट किया। आज जून को सिंगल रो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई यही है कि भाई कितनी बार मैंने 2021 में पोस्ट डाली थी भाई, अब तक ट्राई किया तब मेरा हुआ, अभी न्यू पोस्ट देख लो 100K पर डे दिस ईयर। हो सकता है नहीं भी हो सकता है यार, जस्ट ये इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि भाई हाँ कर सकते हो आप। यहाँ पे मैं ले जाता हूँ, चलो मैं 10K हिट की बात कर रहा था, ठीक है। अभी कंटिन्यू मतलब वो चीज़ें जो मुझे चाहिए था वो अभी भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चीज़ें यार हो जाती है, काम मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, और कुछ नहीं है यार, दिखाते फिर कुछ और अचीव करेंगे लाइफ में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानो या हार्डवर्क मानो या कुछ भी मानो यार, जो करना होता है आप जो काम करते हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ फेल होंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, बट कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहेंगे। आपको ये जर्नी मेरी इजी दिख रही होगी, जब मैंने $24 की पहली सेल की थी, जब 2020 में जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला था, मैं हर एक चीज़ यूट्यूब पे पहले डालता था, बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं इसकी वजह से नहीं डालता हूँ। मैं कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, जस्ट ये मैंने देखा तो मुझे लगा यार बहुत टाइम हो गया, चलो खुद भी मैं देख के खुश हुआ कि भाई इसमें मैंने वीडियो बनाई थी, आज मैंने ऐसे ही देख ली, तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर देता हूँ। देखो इससे कंपेयर अपने आप को मत करना, ठीक है, ऐसा मैंने इतना मुझे इतना करना है, आपके खुद के गोल बनाए। मैंने स्टार्ट किया था $100 पर मंथ अर्निंग करने के लिए, फिर धीरे 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 ग्रो करते 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 इधर में आया हूँ, अभी और भी ग्रो करना है, वो काम करते रहेंगे हो जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक भाई वही है कि एक माइंडसेट सही रखिए यार, खुद पे बिलीव करिए, इंग्लिश आती है नहीं आती है, टैलेंटेड हो नहीं हो कुछ मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंट रहोगे 110% रिजल्ट मिलेगा ही, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ें करता रहता, डॉक्यूमेंट में पहले से करता हूँ हर एक चीज़, मुझे जो भी अच्छी लगती है, ठीक है, तो जो इंटरेस्टिंग लगती है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आई होप
बहुत टाइम के बाद डाला है, बट थोड़ा 1% जितना भी मोटिवेशन तो मिला हो, और उससे एटलीस्ट आप अपना काम स्टार्ट कर सको, ठीक है। कोई भी फील्ड में हो यार, नहीं है कि जस्ट ये इंटरनेट मार्केटिंग, मीडिया बाइंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वो सब करना है। आप जो भी फील्ड में हो यार, अपने गोल बिना लिखो यार, उसको देखो यार, याद दिलाएगा आपको 2-3 दिन बाद भी, भूल गए होंगे तो फिर भी। तो ये चीज़ करोगे आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। मुझे तो क्या जाता है यार।